हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि दिवाली के इस सीरीज का एक अहम टॉपिक भी है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम आयुर्वेद के हिसाब से शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं डिफरेंट फलों के साथ, सब्जियों के साथ, जूस के साथ, या जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके हम किस प्रकार से नेचुरल मटेरियल्स का यूज करके हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी के टाइप के हिसाब से। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके साथ साथ बाकी की जो और भी वीडियो इस सीरीज़ में, दिवाली की सीरीज़ में आपके लिए स्पेशली बनाए गए, एज अ गिफ्ट आपके लिए बनाया गया है, ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी की सभी वीडियोज़ को डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए, उनके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। ये नॉलेज आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत उपयोगी होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी। जैसे हम दिवाली में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ये गिफ्ट देने का, सेलिब्रेशन करने का मौका है, तो आप इन वीडियोस को, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को, पूरे के पूरे कोर्स को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, एज अ गिफ्ट आप दूसरों को दे सकते हैं, जो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने के काम आएगा, उनकी लाइफ को बेटर करने में काम आएगा, उनकी लाइफ में एनहेंसमेंट लेके आने के लिए, पॉजिटिविटी लेके आने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, अलग अलग फल हो, सब्जी हो, जूसेस को या लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनका यूज करके, नेचुरल मटेरियल्स को यूज करके किस प्रकार से डिटॉक्स सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, इन सभी चीजों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के अनुसार से शरीर को डिटॉक्स करने के लिए डिफरेंट फलों को, सब्जियों को, जूस को, तरल पदार्थों को किस प्रकार से यूज किया जाता है, इनके कुछ नेचुरल मटेरियल्स को हम यूज करेंगे, किस प्रकार से उनको यूज किया जाता है, बॉडी के अलग अलग जो टाइप होते हैं, वात, पित्त, कफ, इनके हिसाब से जो समस्या होती है उनके अनुसार उनको किस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं, आपके लिए कौन से सुटेबल है, इस प्रकार से आप उनको चूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हम कैटेगरी देखेंगे वो है फ्रूट्स की कैटेगरी, फल्स की कैटेगरी, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से फ्रूट्स को हम चूज कर सकते हैं हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारी बॉडी के टाइप के हिसाब से। सबसे पहले जो फ्रूट्स है उसमें हम देखेंगे पपीता। ये पपीते की क्या क्या क्वालिटीज होती है, किस प्रकार से आपको हेल्प करता है वो हम देखेंगे। पपाया डाइजेशन में मदद करता है और टॉक्सिन सब्सटेंस को निकालने में मदद करता है, तो कफ और वात टाइप के लोग इसे खाएंगे तो ये उनके लिए बहुत वरदान पूर्वक होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फल है हमारा, नेक्स्ट फ्रूट है, वो है अनार प्रोमोगेनेट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है और ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार करता है। उसका जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है सेब, एप्पल, ये डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है और शरीर में टॉक्सिन सब्सटेंस को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। इसके बाद जो अगला फल है वो है नाशपाती, पेर, ये क्या करता है, ये कफ को संतुलन करने में मदद करता है। अगर किसी पर्सन को वात की प्रॉब्लम है, गैस बनने की प्रॉब्लम है, तो उस पर्सन को पेर नहीं खाना चाहिए, नाशपाती नहीं खानी चाहिए, यह डाइजेशन में सहायक होता है। उसके जब नेक्स्ट फ्रूट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट फल की बात करेंगे, वो है जामुन, अंगूर, कीवी और संतरा, ये सभी फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, उपयोगी होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है सब्जियों की, वेजिटेबल्स की। इसमें सबसे पहली जो वेजिटेबल की हम बात करेंगे, सब्जी की बात करेंगे, वो है पालक। पालक में क्या होता है, पालक में आयरन होता है, फाइबर से भरपूर होता है, ये शरीर को साफ करने में मदद करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गाजर। गाजर ये त्वचा की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है और ये आईज के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है कद्दू, ये डाइजेशन में सुधार करता है और शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है ब्रोकली, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और शरीर की सफाई में सहायक होती है। अगर किसी पर्सन को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ब्रोकली या कॉलीफ्लावर, जिसे बोलते हैं फूल गोभी, उसको अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है जूसेस की। जूसेस में नींबू की शिकंजी बना के आप यूज कर सकते हैं। सुबह खाली पेट एक गिलास नींबू के पानी से डाइजेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसमें आप एक चुटकी आप काली मिर्च डाल सकते हैं और साथ में काला नमक डाल सकते हैं, जो आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा, बॉडी में डिटॉक्स करने में भी बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद हम देखेंगे अदरक का जूस। अदरक का जूस ये डाइजेशन को सुधारता है और शरीर में जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग को कम करने में ये मदद करता है। गाजर का जूस ये
स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर को डिटॉक्स भी करता है और आईज के लिए तो बहुत अच्छा रामबाण है ये। उसके बाद हम तरल पदार्थ होते हैं जो लिक्विड्स है, उसमें देखेंगे कौन कौन से लिक्विड्स ले सकते हैं हम। गर्म पानी, जो बहुत लोग इसी गर्म पानी से शुरुआत करते हैं, उसके हम फायदे देख लेते हैं कौन कौन से फायदे हैं। दिन की शुरुआत गर्म पानी से करें, ये टॉक्सिन सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करता है और आपके मोशन को इजिली फ्लश आउट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद तुलसी का पानी सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पीने से शरीर की सफाई होती है, शरीर के सभी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और आपको एनर्जी महसूस होती है और बॉडी बिल्कुल लाइट महसूस होती है। तो आप इस प्रकार से अलग अलग सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आई होप ये नॉलेज आपको इफेक्टिव लगी रहेगी। ऐसी और भी नॉलेजबल वीडियो आपके लिए बनाई गई है। दिवाली के इस पूरी की पूरी सीरीज में आपको बहुत सारी डिटेल्स में वीडियोज मिल जाएगी। बाकी की वीडियोज को देखने के लिए, प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए, जिसमें आपको पूरे के पूरे इस दिवाली के जो सीरीज है उसकी वीडियोस मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई रहेगी। इतनी ही जानकारी के साथ मैं डॉक्टर अनूप सिंह आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।